हेलो एवरीवन। तो गाइस आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में राजस्थान रॉयल्स की टीम का पहला मैच पंजाब किंग्स के अगेंस्ट था और ये मैच एज एक्सपेक्टेड काफी धमाकेदार हुआ है। और आखिरकार क्या क्या हुआ इस मैच में, इस पूरे मैच का रिव्यू करने वाला आज की स्टूडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इस ऐप का नाम है माई इलेवन सर्कल। माई इलेवन सर्कल पे खेलना काफी ज्यादा इजी है। आपको खेलने वाली दो टीमों में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं और अपनी टीम बनानी है, और आप इजीली माई इलेवन सर्कल पर खेल सकते हो। और माई इलेवन सर्कल पे अजिंक्य रहाणे, शेन वॉटसन, राशिद खान, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली जैसे चैंपियन क्रिकेटर्स हैं और आप उनके साथ खेल सकते हो। और जैसा कि आपको पता है इंडियन T20 लीग आ चुकी है, और दोस्तों आप माई इलेवन सर्कल ऐप पर अपनी टीम बनाकर 5 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो। आपके पास बहुत बड़ा मौका है 5 करोड़ रुपए जीतने का। माई इलेवन सर्कल पर और भी बहुत कुछ है, जैसे अगर आप राशिद खान या फिर वीवीएस लक्ष्मण की टीमों को बीट करते हो तो आप 5 गुना कैश जीत सकते हैं। और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस मिलने वाला है। और स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए आपको आपकी फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश मिलने वाला है। और ये काफी ज्यादा सेफ ऐप है, आपका विनिंग अमाउंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। और गाइस आप अपनी स्क्रीन पर कई विनर्स को देख पा रहे होंगे जो हाल ही में माई इलेवन सर्कल पर करोड़पति बने हैं, तो वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया गया है। जल्दी से जाके इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी टीम बनाइए। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो फ्रेंड्स पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीता था और आरआर की टीम को पहले बैटिंग करने के लिए कहा था, और एविन लुइस और यशस्वी जायसवाल ये दोनों ही खिलाड़ी ओपन करने आए थे। और दोनों ही खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ ओपनिंग करी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए, जहां पर एविन लुइस थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, उन्होंने 21 गेंदों में 36 रन बनाए थे। वहीं पर यशस्वी जायसवाल एक तरफ से खेल रहे थे, नंबर 3 पर इस टीम के कैप्टन संजू सैमसन आए थे, लेकिन इस मैच में वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, सिर्फ यहाँ पर 4 रन बनाए और आउट हो गए। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन ने 25 रनों की पारी करी, उसके बाद वो भी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो प्लेयर आए महिपाल लोमरा, और उन्होंने तो आते ही गेंद को मारना शुरू किया और ऐसा मारा कल हमने देखा था किस तरीके की ये हिटिंग कर रहे थे। और इनके पारी की बात करें तो महिपाल लोमरा ने सिर्फ 17 गेंदों में 43 रन्स की इनिंग्स खेली थी। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने स्पिन को खेला था, मतलब स्पिन को इतना डोमिनेट करके खेल रहे थे वो हमने कल देखा ही है। बहुत ही ज़बरदस्त छक्के लगाए और आरआर की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। महिपाल लोमरा अब मिडल ऑर्डर में आगे खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आरआर की टीम की समस्या शुरू हुई, क्योंकि यशस्वी जायसवाल आउट हो गए थे 49 पर, उसके बाद राहुल तेवतिया आए हैं और एक तरफ से यहाँ पर महिपाल लोमरा भी आउट हो गए थे। राहुल तेवतिया, रियान पराग, क्रिस मॉरिस, ये तीनों ही खिलाड़ियों का बहुत ही खराब फॉर्म रहा था कल, जहाँ पर रियान पराग ने 5 गेंदों में 4 रन बनाए थे। राहुल तेवतिया की बात करें तो उन्होंने 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए थे और क्रिस मॉरिस ने 5 गेंदों में 5 रन बनाए थे। तो जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम कंफर्टेबल थी कि वो 200 प्लस तो आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और आरआर की टीम के लिए ये देखना जरूर होगा कि रियान पराग और राहुल तेवतिया का बल्ले के साथ आईपीएल 2021 में उतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो आरआर की टीम के लिए एक वो चिंता जरूर रहेगी। लेकिन आरआर की टीम ने जैसे तैसे 185 रन बना लिए। उसके बाद पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से आए थे केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, दोनों ही खिलाड़ियों ने मतलब शुरुआत दिलाई पंजाब किंग्स को एक ताबड़तोड़। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 100 प्लस की पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहली विकेट दिलाई थी चेतन साकरिया ने। केएल राहुल को उन्होंने आउट किया था 49 पे, वो आउट हो गए थे। उसके बाद मयंक अग्रवाल भी आउट हो गए थे और उनको राहुल तेवतिया ने आउट किया था। उसके बाद विकेट्स नहीं मिल रही थी क्योंकि एडन माकरम और निकोलस पुरन, ये दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, दोनों ही खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद 19वें ओवर में आए थे मुस्तफिजुर रहमान और इन्होंने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी। मैंने पिछली कई वीडियो में कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को ही खिलाना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह के बॉलर है डेथ में आरआर की टीम को काफी ज्यादा फायदा होगा इनकी प्रेजेंस से। और कल हमें यही देखने को मिला, जरूर मुस्तफिजुर रहमान को विकेट नहीं मिली थी लेकिन उन्होंने काफी क्रूशियल वो 19वां ओवर डाला था, और आरआर की टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आरआर की टीम ने उनको खिलाया, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था और वो अब आगे कंटिन्यू खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन उसके बाद आया 20वां ओवर और कार्तिक त्यागी ने जो इस ओवर में गेंदबाजी करी है, पूरा गेम चेंज कर दिया था इन्होंने। इस तरीके की गेंदबाजी थी, काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करी थी। कार्तिक त्यागी की बात करें तो इन्होंने 29 रन देकर 2 विकेट लिए थे और आखिरी के ओवर में ही इनको 2 विकेट मिले थे। काफ़ी तगड़ी गेंदबाजी करी थी कार्तिक त्यागी ने और आरआर की टीम को जीत दिलाई थी। राजस्थान रॉयल्स की टीम को कई जगह पर ज़रूर सोचना होगा, क्योंकि आरआर की टीम भले ही जीत गई होगी लेकिन आरआर की टीम को राहुल तेवतिया, रियान पराग, इन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से आरआर की टीम को रन चाहिए, क्योंकि आईपीएल 2021 में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बल्ले के साथ उतना
अच्छा योगदान नहीं किया है तो इनसे जरूर योगदान चाहिए। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को एक और जगह पर काम करना है, वो है फील्डिंग, क्योंकि कल के मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने केएल राहुल के ही 3 कैचेस छोड़ दिए थे और आईपीएल 2021 में आरआर की टीम ने बहुत सारे कैचेस छोड़े हैं, तो आरआर की टीम को इन दो जगह पर अभी भी काम करना जरूरी है, क्योंकि हर बार तो आपको कार्तिक त्यागी जीत नहीं दिला पाएंगे, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो आरआर की टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइंस आए हैं इस मैच से। तो ऐसे में हम यही होप करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ये फॉर्म आगे टूर्नामेंट में कंटिन्यू रखे, क्योंकि आरआर की टीम को एक बढ़िया मोमेंटम मिल गया है यहाँ से। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया गया है तो वहाँ से जाके माई 11 सर्कल ऐप को जरूर से डाउनलोड करना।